दोस्तों ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की लेंथ तो मात्र 29 किलोमीटर है, यानी कि ये अपने देश की सबसे छोटी एक्सप्रेसवे है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे की खासियत देखकर आप चौंक जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में इतना ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है कि इसे बुर्ज खलीफा जैसी 6 बिल्डिंग बनाई जा सकती थी। इसके साथ ही इसके कंस्ट्रक्शन में जितना स्टील का यूज किया गया है उतने स्टील से तो 30 एफिल टावर बनाया जा सकता था। इसमें सिंगल पिलर पर ही 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया गया है और इसमें लगभग 4 किलोमीटर का टनल भी बना है। आज द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम के सेक्शन का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो इस एक्सप्रेसवे के चालू होने से NH8 पर लोड कम होगा और गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली के दूसरे एरिया में ट्रैवल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे अपने देश के सबसे छोटे एक्सप्रेसवे में से एक है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की लेंथ मात्र 29 किलोमीटर है। लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन में 9000 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च हो गई, यानी कि एवरेज 1 किलोमीटर के कंस्ट्रक्शन में 300 करोड़ से भी अधिक खर्च हुआ है। और ये क्लियरली इस एक्सप्रेसवे में दिखता भी है। इसमें सिंगल पिलर पर ही 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया गया है और 8 लेन की सर्विस रोड भी है, यानी कि कुल मिलाकर ये 16 लेन का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में शिव मूर्ति के पास NH8 से स्टार्ट होती है और NH8 पर ही गुड़गांव में खिड़की दौला के पास एंड हो जाती है और दोनों छोर पर शानदार इंटरचेंज बनाया गया है। गुड़गांव में तो एंड में ये क्लोवर लीफ बना है जो कि काफ़ी शानदार है, जबकि दिल्ली में भी ये स्टार्टिंग में ये शानदार इंटरचेंज बनाया जा रहा है। हालांकि अभी दिल्ली के सेक्शन में ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी केवल गुड़गांव के सेक्शन में ही ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हुआ है। यहाँ देखिए, ये इस एक्सप्रेसवे का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर अंडरग्राउंड, ऑन ग्राउंड, फ्लाईओवर और लूप सारे टाइप के रोड आपको दिख जाएंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे नितिन गडकरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके कंप्लीट होने के बाद गुरुग्राम में दुबई और सिंगापुर जैसी फीलिंग होती है। इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में लगभग 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है और इतने कंक्रीट में बुर्ज खलीफा जैसी 6 बिल्डिंग बनाई जा सकती थी, जबकि लगभग 2 लाख मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इतने स्टील से 30 एफिल टावर बनाया जा सकता था। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसमें 12,000 से भी ज़्यादा पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया है। लगभग 29 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में से लगभग 19 किलोमीटर का सेक्शन गुड़गांव में है, जबकि लगभग 10 किलोमीटर का सेक्शन दिल्ली में है। ये एक्सप्रेसवे द्वारका के सेक्टर 25 में UER2 के साथ भी इंटरचेंज बना रही है। इसके साथ ही दिल्ली के सेक्शन में इस एक्सप्रेसवे में लगभग 4 किलोमीटर का एक टनल भी बनाया जा रहा है। तो फाइनली लगभग 18 साल के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे अब कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ओरिजिनली ये एक्सप्रेसवे 2006 में ही प्लान किया गया था और 2012 में तो गुड़गांव के ज़्यादातर सेक्शन में इस एक्सप्रेसवे का काम भी कंप्लीट हो गया था। और उस टाइम ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका से गुड़गांव तक 6 लेन का बनाया जा रहा था, लेकिन 2016 में NHAI ने इस एक्सप्रेसवे को हैंडओवर कर लिया और नए सिरे से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और फाइनली अब ये बनकर तैयार हो गया है और आने वाले समय में ये एक्सप्रेसवे गुरुग्राम की लाइफलाइन बनने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए।